हम लोग इस वीडियो में कई तरह के जो क्रिस्टल सिस्टम हम लोग सीखे हैं उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सीखेंगे, ताकि हमने जो सीखा है कॉन्सेप्ट उसको कुछ कंसोलिडेट किया जा सके। जैसे एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, गोल्ड हैज अ फेस सेंटर्ड लैटिस, ये एलिमेंट है आयोनिक क्रिस्टल ही विद एन एज लेंथ 407 पिकोमीटर। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि FCC अरेंजमेंट जब होता है एलिमेंट का, तो उसमें टचिंग कंडीशन अलोंग फेस डायगोनल होते हैं। ठीक है, टचिंग कंडीशन कहाँ होता है? फेस डायगोनल होता है। फेस डायगोनल के अलावा आपको ऐसा स्टेटस होता है, एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, चौथा एटम, पांचवा एटम। तो यहां जब देखने जाएंगे आर 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 एंड आर, ये ए है अगर और ये ए है, तो डायगोनल कितना हो जाएगा? तो डायगोनल आपको √2a हो जाएगा, और किसके बराबर हो जाएगा? 4r के बराबर। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है विथ एन एज लेंथ ऑफ 407 पिकोमीटर, तो डायमीटर ऑफ द गोल्ड एटम क्या हो जाएगा? तो डायमीटर क्या होता है? इसलिए डायमीटर आपका हो जाएगा 2r होता है, और 2r यहां से हो जाएगा √2a/2। ठीक है, √2a/2 लिख दीजिए, √2 × a का वैल्यू 407/2। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको मिलता है 1.414 × 407/2, इट इज 287 पिकोमीटर। देन डायमीटर ऑफ द गोल्ड एटम इज 287 पिकोमीटर। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि ईच एज ऑफ अ क्यूबिक यूनिट सेल इज 400 पिकोमीटर लॉन्ग, हर एज इसका 400 पिकोमीटर लॉन्ग है, यानी एज लेंथ दिया हुआ है 400 पिकोमीटर। इफ एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट इज दिस वन, एटॉमिक मास भी आपको दिया हुआ है, ग्राम एटॉमिक मास इज ऑल्सो गिवेन, इट इज 120 ग्राम। इट्स डेंसिटी इज ऑल्सो गिवेन, डेंसिटी इज इक्वल टू 6.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देन वी हैव टू कैलकुलेट क्रिस्टल सिस्टम, तो कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है? सिंपल क्यूबिक है, BCC है, FCC है, कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है? तो यहां पर ध्यान दें, ये क्यूबिक लिख दिया है इसलिए FCP नहीं हो सकता है, ये या तो सिंपल क्यूबिक होगा, या तो BCC होगा, या तो FCC होगा। ठीक है, हम लोग कोशिश करते हैं कि इसका जेड का वैल्यू कैलकुलेट किया जा सके। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला? जेड इंटू MA × a³। यहां से आपको जेड मिल जाएगा डेंसिटी इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू a³/m। ठीक है, इसका वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। डेंसिटी कितना है? डेंसिटी आपका दिया हुआ है 6.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एवोगैड्रो नंबर 6 × 10⁻²³, एज लेंथ का होल क्यूब, ध्यान दें यहां सेंटीमीटर क्यूब है, तो यहां भी आपको सेंटीमीटर क्यूब में लिखना होगा। 400 पिकोमीटर, 400 पिकोमीटर का मतलब क्या है? 410⁻½ मीटर ये होता है। ठीक है, ये क्या होता है? आपको सेंटीमीटर में ये चाहिए, आपको किसमें चाहिए? सेंटीमीटर में चाहिए, तो कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर में निकालने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? तो 100 से यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, फोर हंड्रेड इंटू
then the rest of the formants 10 सेंटीमीटर ये आपको हो जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 400 इंटू 10 पावर माइनस 10 रख दीजिए, 400 इंटू 10 रेस की पावर माइनस 10 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय एम। एम कितना है आपका? एम है आपका 120। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 6.25 20 से कट जाएगा बाय 20, 10 रेस टू दी पावर 23 और ये 64 इंटू 10 रेस टू दी पावर माइनस 24 आ जाएगा। इसको कट करेंगे तो नीचे में 10 आ जाएगा, तो आपको आ जाएगा 6.25 इंटू 64 बाई 200। इसको सॉल्व करने पर आपको आता है 6.25 इंटू 64 डिवाइडेड बाई 200, इट इज 2। कितना आ जाता है? 2। ये आपका 2 आता है, 2 का मतलब आप यहां देखिए, सिंपल क्यूबिंग में जेड 1 होता है, बीसीसी में जेड 2 होता है, एफसीसी में जेड 4 होता है, तो कौन सा आपका आंसर हो जाएगा? बी सी सी। इस तरीके से आप जेड का वैल्यू कैलकुलेट करके भी क्यूबिक सिस्टम को एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्यूबिक सिस्टम को एक्सप्लेन आप कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये कहा हुआ है कि एक क्यूबिक यूनिट सेल है जिसमें 8 में से 7 कॉर्नर्स होते हैं, वो आइटम ए ने ऑक्यूपाई किया है, यानी 8ों में 8ों कॉर्नर पर ये आइटम मौजूद नहीं है, 7 कॉर्नर्स पर ही मौजूद है और एक कॉर्नर आपका वैकेंट है, खाली। ठीक है, तो ए कितना हो जाएगा आपको? ए हो जाएगा 7 कॉर्नर पर होगा और सभी जगह के आइटम का कंट्रीब्यूशन कॉर्नर पर का कितना होता है? 1/8। इसी तरह से बी को देखते हैं, एंड सेंटर ऑफ फेसेस आर ऑक्यूपाइड बाय बी, तो 6 फेसेस होते हैं और हर फेसेस पर कंट्रीब्यूशन कितना होता है आइटम का? 1/2। सॉल्व करिए इसको, ए 7/8, बी 3। ऐसे तो किसी कंपाउंड का फॉर्मूला होता नहीं है, तो इसको 8 से पूरा में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए 7 ई 24 आपका आंसर हो जाएगा, ए 7 बी 24 आप। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि इन द स्पाइनल स्ट्रक्चर, एक स्पाइनल मिनरल होता है उसके स्ट्रक्चर में, ऑक्साइड आयंस आर इन सीसीपी अरेंजमेंट वेयर इज 1/8 ऑफ टीवी आर ऑक्यूपाइड बाई A2+ एंड 1/2 ऑफ OB आर ऑक्यूपाइड बाई B3+। यही है क्वेश्चन, ऑक्साइड आयन आपका सीसीपी अरेंजमेंट में है, सीसीपी अरेंजमेंट का मतलब होता है कि 8 कॉर्नर्स पर ये होगा मौजूद और 6 फेस सेंटर्स पर भी ये मौजूद होगा, 8 कॉर्नर्स पर है तो इसलिए 8 × 1/8 कितना हो जाएगा? 1, और 6 फेस सेंटर्स पर है तो 6 × 1/2 कितना हो जाएगा? 3। टोटल कितना हो जाएगा? 4। हम लोगों ने सीखा है कि अगर जेड का वैल्यू 4 हो तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड आइडियल केस में कितना होगा? इसका ट्वाइस ऑफ जेड, यानी कि कितना होता है? 8। एंड नंबर ऑफ ओवी आइडियल केस में कितना होना चाहिए? 1 × 4, यानी कि 4 होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड 8 आइडियली होने चाहिए, उसका केवल 1/8 ही ऑक्यूपाइड है, तो कितना हो जाएगा?
वन, याद रखिएगा ये फोर है ये वन है। और आ जाइए नंबर ऑफ ऑक्टेहेड्रल वॉइड आइडियल केस में फोर होता है और क्वेश्चन में कहा है कि वन बाई टू ही इसका ऑक्यूपाइड है, तो फोर का वन बाई टू ऑक्यूपाइड है, टोटल कितना हो जाएगा टू हो जाएगा। तो मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मॉलिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा ए एक बार, बी दो बार और ऑक्सीजन चार बार। ये सही है कि गलत है इसको हम चेक भी कर सकते हैं चार्ज से। ए पर कितना चार्ज है दो, बी पर कितना चार्ज है तीन, दो में छह प्लस एट हो गया। ऑक्सीजन पर कितना चार्ज है टू, यानी कि माइनस एट, नेट जीरो हो जाएगा, यानी कि ये हमारा करेक्ट अप्रोच है। ठीक है, इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एफसीसी अरेंजमेंट है ए एंड बी एटम्स का, जिसमें ए एटम कॉर्नर्स पर है, ए एटम आपको कॉर्नर्स पर है, तो आइडियल केस में ये कितना होना चाहिए आठ कॉर्नर पर होना चाहिए, एंड बी एटम्स आर एट द फेस सेंटर्स, ये आपको फेस सेंटर्स पर है। एक क्यूब में आइडियली कितने फेस सेंटर्स होते हैं सिक्स, तो आइडियल केस में ये सिक्स फेस सेंटर्स पर होना चाहिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कहा है कि वन ऑफ दी डी आइटम्स इज मिसिंग। ठीक है, तो इसमें एक आपको मिसिंग है, तो नेट कितना बचेगा फाइव, फाइव ही आपको प्रेजेंट होगा, समझे। तो पूछा गया है सिंपलेस्ट फॉर्मूला कंपाउंड का क्या होगा, आप एक चीज देखिए कि ये जो आपका है ये वन बाई एट कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, एट इंटू वन बाई एट, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपको वन हो जाएगा। और इसको देखिए ये आपको फाइव है और हर आइटम का फेस सेंटर पर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है वन बाई टू, तो कितना हो जाएगा फाइव बाई टू। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा कंपाउंड का, ए वन बी फाइव बाई टू। सोल्व करें, फ्रैक्शन में तो होता नहीं है, टू से पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए टू बी फाइव इसका आंसर हो जाएगा। क्या इसका आंसर हो जाएगा ए टू बी फाइव इसका आंसर हो जाएगा।